सर मैंने जेपी पावन लिया था अभी बिफोर लास्ट ईयर। ये पहले तो सर मैंने 9 रुपए पे लिया था, फिर मैंने इसको एक बार सेल कर लिया था। 1000 शेयर्स थे, फिर 500 सेल करके फिर से ले लिए। 1100 शेयर्स है अब सर 15 रुपीज पर। तो सर शुड आई होल्ड इट और सेल? ये क्यों डिसाइड किया था जयप्रकाश पावर? चार्ट पे अच्छा लग रहा था, कोई और रीजन था? सर हस्बैंड ने सजेस्ट किया था, उन्होंने देखा था इसका, वो उसके बाद सजेस्ट जो भी किया देखा, था। बढ़िया। एक बार 5 रुपए कमा लिए, फिर 5 रुपए के लिए एंट्री करी, अभी भी 5 रुपए 5.5 रुपए कमा के बैठे हुए हैं। यस सतपुते यस साहब, सर क्या करना चाहिए भाई? जयप्रकाश पावर इस बार वाली खरीद 15 रुपए की है, स्टॉक चल रहा है 20.5 रुपए के आसपास। कैसा लग रहा है चार्ट पे आशीष जी? देखिए, मुझे लगता है कि इस रैली में हमने पावर इस थीम को अच्छे से परफॉर्म करते देखा। कोई भी हो, पावर का कौन सा भी स्टॉक उठा लीजिए, उसके फंडामेंटल जुदा है लेकिन चार्टिकली सब अच्छा है। तो मेरे हिसाब से काउंटर में स्ट्रेंथ अभी भी है। इनफैक्ट एक डिप के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन इसका 20 रुपए के आसपास है, तो छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। 19.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और बने रहे, मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा आशीष जी, वो करीबन 23.5-24 के आसपास रहेगा। 25 भी जा सकता है, तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, बने रहे। लेकिन आप इसमें से 25 के आसपास, यानी 23.5 से लेकर 25, इस रेंज में कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जो है उसे भी बांध लीजिए। बढ़िया रहा हस्बैंड का कॉल सजेशन, फिर से अच्छी तेजी आप बनाओगे इसमें। 23-25 के लक्ष्य हैं, उनके आसपास मुनाफा बांधे या एक बार रीएसेस कर लीजिएगा जब उस समय ये भाव स्क्रीन पे नजर आ रहे हो तो। अरुणा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरी सेकंड क्वेरी से पहले मैं मेरे लर्निंग, जो 6 मंथ का लर्निंग का हुआ, उसका एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं मैम। सर मैंने अभी तक अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है सिर्फ सुना था, लेकिन ये 6 मंथ्स के लर्निंग कर्व में मैंने ये इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। हाँ। क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट के कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में भी है। हाँ। एनर्जी स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स, तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। हमें समझाओ क्या है कॉन्सेप्ट? सर अपर सर्किट इरेडा जो मैंने लिया था, उसमें मैंने अपर सर्किट लोअर सर्किट दोनों एक्सपीरियंस कर लिया, और RBNL में भी एक दिन में पूरा अपर सर्किट और नेक्स्ट डे पूरा लोअर, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है। अरुणा मैम, अगला सवाल कौन सा आज का? सर नवनीत, स्टॉक का क्वांटिटी है 1234 और प्राइस है 152। ये 1234 क्यों, कुछ सोच के लिया था या भरते भरते ऐसा नंबर आ गया? सर नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा रिमेम्बरेंस के लिए 1234। 152 के, ये ट्रेडिंग वाला है, लॉन्ग टर्म है ये भी? सर ये मैं मतलब ट्रेडिंग और उसके लिए, अगर इसमें मेरे को प्रॉफिट बुक करना है तो मैं नहीं, आप भी क्या सोच रहे हो, प्रॉफिट हो गया तो किस्मत वाली बात। सर मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया हुआ है इसको भी, लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिहाज से नवनीत लिया हुआ है। सतपुते साहब क्या करना चाहिए भाई? 7-8 रुपए ऊपर, लेकिन बहुत वोलेटाइल काउंटर रहता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का काउंटर है या नहीं, पहला सवाल ये। और 152 वाली खरीद के लिए क्या व्यू आशीष जी? देखिए, अगर आप इस पर चार्ट देखते हो तो आपको एक क्लियरली अप ट्रेंड दिखता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, वोलेटिलिटी रहती है। ऐसा नहीं कि ये आपको खुशी देता है, जो खुशी खुशी नहीं मिलती, यहाँ पे खुशी के साथ गम इमीडिएट मिलता है। तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे बाइंग होगा तो यहाँ पे सेलर भी इतना ही कड़क है। तो देखिए, चार्ट अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 150 का यहाँ पे बेस बन रहा है, 150 एक 2-5 रुपए का प्ले आप रखे उसमें। और लेकिन सामने मेरे हिसाब से इसका एक टारगेट पेंडिंग है, जो इसका ऑल टाइम हाई 1992 के आसपास है। मुझे लगता है एक बार के लिए उस लेवल तक जाएगा, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म की बात की, इसलिए मैंने 190 का लेवल का जिक्र किया। नहीं तो वैसे अगर आप देखें तो पहला रेजिस्टेंस इसका जो बनता है, पहला सप्लाई पॉइंट, वो है करीबन 176 का। तो 176 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा लेवल 190+। तो मेरे हिसाब से होल्ड रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी आशीष जी डीप रहेगा। जैसे मैंने कहा, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका स्टॉप लॉस पोजिशनली, आपने पोजिशनल का जिक्र किया, तो 140 का रहेगा, 140 पोजिशनल स्टॉप लॉस एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजिशन। प्रज्ञा मैम, अगला सवाल कौन सा एमतार के बाद? हाँ जी सर, मैं भी एक बात कहना चाहूंगी, जैसे ये आपका नाम है, ये काफी अच्छा है, और इसमें जो मेरी तरह बाकी लेडीज आती हैं उनको देख के हमको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि और आगे इसमें कुछ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह।
तो ये प्लीज कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बीच में कभी ये एक दो दिन नहीं आया था, ऐसा लगता था कहीं प्रोग्राम बंद ना हो गया है। नहीं नहीं सर, मैम जब तक आप लोग हो तब तक हम लोग हैं। अच्छा प्रज्ञा मैम, एमतार के बाद अगला सवाल कौन सा, और थैंक यू शो को सराहने के लिए। जी इंडस टावर पे मेरी क्वेरी है, मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं 170 के प्राइस पे, और ये मैंने 14 जून 23 को लिए थे, तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ या क्या सजेशन रहेगा? 14th जून तो ऑलमोस्ट 9 महीने 10 महीने के आसपास के टाइम होराइजन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बढ़िया नीट मुनाफा है 50-55 रुपए के आसपास का। सबसे साहब बांध लूं या दमखम है चार्ट्स को देखते हुए रुक जाऊं? आशीष जी मेरे हिसाब से उन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ है, हालांकि ये काउंटर कभी सीधा चलता नहीं है, ये दो तीन स्टेप आगे जाएगा तो एक स्टेप डेफिनेटली पीछे लेगा, और इस तरह से ये मूव है इसका, दिस इज कॉल्ड ज़िगज़ैग फॉर्मेशन। लेकिन चार्टिकली लगता है ये 210-220 इस लेवल के आसपास इसमें बाइंग हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसका जो एक्यूमुलेशन का टारगेट है वो 250 से लेके 260 का है। तो फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूंगा आप बने रहे, क्योंकि हमने जो एक्यूमुलेशन का जोन है उसे हम लोग जो रिस्पेक्ट करते हैं एज ए एनालिस्ट, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ये कम से कम 205 का होगा, तो 205 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, डिप आते रहेंगे लेकिन आपको पोजिशनली इसमें बने रहना है। जैसे मैंने कहा टारगेट जो है वो 250-260 प्लस का होना चाहिए, काउंटर में स्ट्रेंथ है लेकिन स्लो मूवर रहेगा। बढ़िया रिटर्न्स आने हैं तो क्या दिक्कत, 250-260 तक के लक्ष्य हैं। प्रज्ञा मैम 205 के आसपास एसएल जरूर लाके रखिएगा। अनामिका मैम आपका अगला सवाल। सर मैं टाटा पावर के लिए पूछना चाहती हूँ, मैंने ये 287 पर लिए थे 100 शेयर्स, तो सर इसको मुझे अभी रखना चाहिए या? अरे बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मूव एंजॉय कर रहा हूँ आप, 90-95 रुपए का गेन सत्य साहब पर स्टॉक टाटा पावर में, क्वांटिटी भी डिसेंट 100 शेयर्स, क्या करूं बने रहूं क्या और चलेगा? आशीष जी और चलेगा, और चलेगा करते करते बहुत चल गए, ये 400 तक आ गया है, तो एटलीस्ट आप एक बार के लिए मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तक करें, मुझे पता नहीं आपकी क्वांटिटी कितनी है, पार्शियल मतलब कितने करूं, एटलीस्ट 50 100 शेयर कह रही है, 50 निकाल दूं? हां तो देन 50 निकाल दो, क्योंकि मेरे हिसाब से 400 के आसपास यहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग हुई है विद अ राइज इन वॉल्यूम, तो किसी ने बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी बुक की है, तो एक बार के लिए डिप मिल सकता है 320 तक, तो फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूंगा कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो करना जरूरी है, अब बाकी जो है उसे आप होल्ड रखें फॉर द लॉन्ग टर्म। हाँ ये सच है, वो 400 ऑड लेवल्स के ऊपर गया था, उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ठंडा पड़ा था ये स्टॉक, तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो कर लेनी चाहिए, आपकी 100 क्वांटिटी है चाहें तो उसमें से 50 मुनाफा बांध लीजिए, 50 को राइट कर लीजिए, जो राइट कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस क्या है सतपुते साहब? आशीष जी देखिए मेरे हिसाब से इंडस टावर का अगर आई एम वेरी सॉरी मैं स्क्रिप्ट मेरा मिस हो गया, आशीष जी फिर से बताइए। टाटा पावर या लाइव मार्केट में होता क्या आशीष जी, नजर घूमती रहती है मार्केट में। देखिए टाटा पावर का जो अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो तो रहेगा 365 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास देखिए अभी फिलहाल ये जो घूम रहा है टाटा पावर ये 370 एंड 380 के बीच में ये कंसोलिडेट हो रहा है जो इसका 10 और 20 डीएम है, तो अगर ये 370 का लेवल यानी अपना 20 डीएम तोड़ता है तो फिर यहाँ पे नई सेलिंग शुरू हो जाएगी, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 365 का। ये आपने जो वर्ड यूज़ किया नजर घूमती रहती है आप लोग की बाजार में, किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा था कि सब कुछ बढ़िया है आप जाते जाते एक एक्सपर्ट से पिक भी ले लिया करो, आज तो नहीं किसी और दिन बढ़िया स्टिंग विंग के साथ नाम के साथ शुरू करेंगे, लेकिन हाँ साजू सेंसेक्स में जो भी एक्सपर्ट जुड़ा करेगा उससे एक पिक जरूर लिया करेंगे, नजर घूम के रुकी कहाँ है, सतपुते साहब जैसे लोगों की उस पर बातचीत हुआ करेगी। लेकिन चलिए इस नोट पर रोना मैम, प्रज्ञा मैम, अनामिका मैम थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सीएनबीसी आवाज पे जुड़ने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए, सतपुते साहब ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।